Hello friends, welcome to the part 3 of the chapter The Address Written by Marga Minko. Yes, I said you get so used to touching all the lovely things in the house you hardly look at them anymore. तो नरेटर ने जवाब दिया कि हाँ, हम घर में रखी चीजों की इतना यूजफुल हो जाते हैं कि हम उन पे ध्यान ही नहीं देते. You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it for exam. तो हम वो सब चीजों की तभी केयर करते हैं जब वो खो जाती है या फिर हमें उसे रिपेयर करना हो या हमने उसे किसी को वो दे दिया हो. फॉर एग्जाम्पल, अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड वेंट ऑन. आई रिमेम्बर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर. नैरेटर को ये याद है कि उसकी अननेचुरल साउंड एक आ रही है नैरेटर को, कि तब वो रिमेम्बर करती है कि उसकी माँ ने एक बार पूछा था क्या वह इन सब चीजों को पॉलिश करना, सिल्वर पॉलिश करना पसंद करेगी चीजों को सिल्वर से. इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर. आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट and she replied surprised that it was the spoon, forks and knives of course, and that was the strange thing that I did not know the cutlery we ate of every day was silver. तो यहाँ पर नैरेटर बताती है कि बहुत पहले की बात है और वो उस दिन बहुत ज्यादा बोर हो रही थी क्योंकि वो घर पे थी और वो बीमार थी और उसकी माँ ने ऐसी चीजों के लिए कभी पहले उसे नहीं पूछा था और उसकी माँ जो है उसकी माँ से वो पूछती है कि किन चांदी की चीजों की आप बात कर रही हैं. तो उसकी माँ बोलती है ऑफ कोर्स स्पून, फॉक्स, नाइफ्स, छुरी, चम्मच. तो उस दिन स्ट्रेंज हो गई कि जिन चीजों में खाती है वो सिल्वर के बने हुए, उसे पहली बार ये पता चला. द गर्ल लाफ्ड अगेन. आई बेट यू डोंट नो इट इज आइदर. आई लुक्ड आइडेंटिटली एट हर. व्हाट वी ईट विथ, शी आस्क्ड. वेल, डू यू नो. She hesitated. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I look, it's in here. वो जो लड़की हंस पड़ी और उसने नैरेटर ने बोला कि मैं बेट लगा सकती हूँ कि तुम्हें भी नहीं पता होगा कि जिस चीज में हमने अभी खाया है, जिस चीज में हम अभी खाते हैं, वो चांदी के बने हुए हैं. तो गर्ल ने पूछा है कि जिसमें हम खाना खाते हैं वो भी चांदी के बने हुए हैं. तो नैरेटर ने बोला हाँ, वो भी चांदी के बने हुए हैं. और वो कुछ हिचकिचाई और एक साइडबोर्ड की तरफ जाकर एक ड्रॉअर खोला और बोला कि मैं इसमें देखूंगी. और उसने कहा कि हाँ, ये यहाँ है. आई जम्प्ड अप. आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम. आई मस्ट कैच माई ट्रेन. तो जो नैरेटर है वो उछल पड़ी और वो टाइम को भूल चुकी थी क्योंकि उसे ट्रेन भी पकड़ना था. She had her hand on the drawer. Don't you want to wait for my mother? उसका हाथ अभी drawer पर ही था और उसने कहा कि क्या आप मेरी मदर के लिए रुकना नहीं चाहेंगी. तो उसने जवाब दिया No, I must go. I walk to the door. Girl pulled the drawer open. I can find my own way. तो उसने बोला कि narrator ने बोला नहीं, मैं अब नहीं रुकना चाहूंगी क्योंकि मेरे ट्रेन का टाइम हो गया है. और narrator door की तरफ बढ़ने लगे और girl ने क्या किया कि एक अचानक ड्रॉअर को पुल कर दिया और लेकिन जो नैरेटर थी अपने रास्ते जा रही थी. एज आई वॉक द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून एंड फॉर्क. तो नैरेटर बताती है कि जब वो गलियारे से गुजर रही थी तो उसने चम्मच और फॉक्स की खनखनाने की आवाज सुनी. एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट मार्क ऑन स्ट्रीट. इट सेड I had been at number 40, so the address was correct, but I now didn't want to remember it. तो जब वो कॉर्नर पे आई, रोड के कॉर्नर पे, देखा कि वहाँ मार्कोनी स्ट्रीट लिखा हुआ है और वो मकान नंबर 46 है और एड्रेस जो था बिल्कुल सही था, लेकिन वो उसे अब याद नहीं रखना चाहती थी. I wouldn't go back there because the object that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value when served from them. You see them again in strange surrounding. तो वो वहाँ फिर से नहीं जाना चाह रही है क्योंकि वो उन मेमोरी को फिर से याद नहीं करना चाहती और वो बोलती है कि जो चीजें अपना वैल्यू खो देती हैं, जो एक अच्छे सराउंडिंग से एक दूसरे सराउंडिंग में जाती हैं तो अपना वैल्यू खो देती हैं. एंड वॉट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द शेड्स ऑफ ब्लैक
out paper still hung along the window and no more than a handful of cuttingly fitted in the narrow टेबल ड्रॉर। तो बोलती है नैरेटर कि मैं इन चीजों को लेकर भी क्या करूंगी, क्योंकि मेरे पास एक स्मॉल रेंटेड रूम है जिसके खिड़कियों से ब्लैक आउट पेपर्स जो है ब्लैक पेपर्स लटक रहे हैं और एक उसके ड्रॉर्स जो है वहां पे उसमें सिर्फ मुट्ठी भर कांटे चम्मच ही रखे जा सकते हैं। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द इजी। तो बोलती है कि बहुत सारी चीजों को भूलने से अच्छा है कि मैं उस एड्रेस को ही भूल जाऊं। अगर वो याद रखती उन सब चीजों को तो उसको अपनी माँ की याद आती रहेगी। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब माई वीडियो।